अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है सभी जीवों के लिए शांति। अहिंसा का अर्थ है किसी भी जीव को कष्ट ना देना, किसी भी जीव को पीड़ा ना पहुंचाना। अहिंसा के ऊपर एक कहावत है, अहिंसा परमो धर्म। इसका अर्थ है सभी धर्मों में अहिंसा एक सर्वश्रेष्ठ धर्म है, या फिर अहिंसा एक सर्वश्रेष्ठ गुण है। आपके जीवन में जो कुछ भी कर सकते हैं, जो कुछ भी सीख सकते हैं, समाज के प्रति जो कुछ भी योगदान कर सकते हैं, उन सभी में किसी भी जीव को क्षति ना पहुंचाना, किसी भी जीव को पीड़ा ना देना, ये एक सर्वश्रेष्ठ गुण है। अहिंसा का यह अवधारणा एक आधारशिला है हिंदुत्व, जैन धर्म, बौद्ध धर्म आदि धर्मों के निर्माण का। और तो और, अहिंसा के इस पहलू का अस्तित्व सभी धर्मों में है। महाभारत में हम पढ़ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की माँ जब बच्चे को जन्म देती है तब कंस सातों बच्चों को दीवार में पटक कर मार देता है। आपने वो कहानी सुना ही होगा। क्या आप जानते हैं कि हम आज मुर्गी के बच्चे को लेते हैं और हम उन्हें जिंदा मिक्सी में फेंक देते हैं? आप वीडियो में वह देख सकते हैं। जो महज बस एक दिन के होते हैं उन्हें वैसे ही मार दिया जाता है। एक सेकेंड के लिए सोचे कि वे हमें किस रूप में देखते हैं। यह कहा जाता है कि राक्षस और असुर हमारे पापों के लिए हमें गर्म पानी में जिंदा उबालेंगे। क्या आप जानते हैं कि मछली, केकड़े और अन्य समुद्री जानवरों को तेल और गर्म पानी में उबाला जाता है? आपको क्या लगता है कि वे हमें कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि वो हमें दयालु और अच्छे नागरिक की तरह देखते हैं? नहीं, हम तो शैतान हैं उनके लिए। और हर एक जानवर जिसको हम खाते हैं, हम उन्हें पिंजरे में रखते हैं, हम उन्हें पीड़ा देते हैं। जो जानवर हमसे कमज़ोर है उसका हम फ़ायदा उठा रहे हैं, और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम कुछ गलत करते हैं बिना जाने कि वो गलत है, तो वो गुनाह नहीं है। अंग्रेजी में एक कहावत है, एनलाइटनमेंट इज बिटर ट्रूथ। एक तरफ तो अच्छा लगता है चीज़ों से अवगत होना, पर जब हम सच्चाई जान लेते हैं तो हमें सच्चाई के मार्ग पर चलना अनिवार्य होता है। शास्त्रों में ये कहा गया है, सभी भोजन में विभिन्न प्रकार के कंपन होते हैं। आप जो खाते हैं वो सीधा आपके सोचने के तरीके में प्रभावित करता है। हम खाद्य मांस का उदाहरण लेते हैं। सोचिए, आपको एक कमरे में लाकर उसके साथ ही खिड़की दरवाजे बंद कर आपको बताया जाए कि अगले 5 मिनटों में आप सबको मार दिया जाएगा। उन 5 मिनटों में आपका शरीर घबराहट से आतंकित हो जाएगा। आपकी सोचने और समझने की इंद्रियों में मौत का भय होगा। ऐसे हालात में आप नकारात्मक ऊर्जा के स्रोत बन जाओगे। जब प्राणी कत्लखाने में प्रवेश करते हैं, वे उन जानवरों के रक्त की गंध सूंघ सकते हैं जो पहले मारे गए थे, और जो जानवर अभी मारे जा रहे हैं उनकी चीखें भी सुन सकते हैं। वे भी घबराने लगते हैं, पीड़ा, डर और सारे भयानक भावनाओं से कांपने लगते हैं। जब उन्हें काटा जाता है तो वो तुरंत नहीं मरते, पीड़ा से तड़पते हुए मरने में 2 से 3 मिनट लग जाते हैं। अब आप यह ले और इसे खाएंगे तो आप क्या उम्मीद करते हैं? क्या आप यह उम्मीद करते हैं कि आपके शरीर के साथ कुछ अच्छा हो जाए, या क्या आप यह उम्मीद करते हैं कि इसे खाने से आप ज्यादा बलवान हो जाएं? हम यह जो भी जानवरों के साथ कर रहे हैं, इसे कैसा कर्म पाल रहे हैं? हम उन्हें इतनी तकलीफ दे रहे हैं, परंतु सच्चाई तो यह है कि हम कभी भी उन्हें चिल्लाते हुए नहीं सुनते। हम कभी भी उनका दुख या उनका दर्द नहीं देखते, और ना ही उनके खून के धब्बे हमारे कपड़े पे दिखेंगे। हाँ, यह तो सच है कि आप यह सब नहीं देखते। यह जो भी अत्याचार जानवरों के साथ होता है, यह आपके आंखों के सामने नहीं होता है, परंतु आपको कोई देख रहा है 24 घंटे, एंड किसी ना किसी दिन आपकी सारी कर्म आपके ऊपर आएगी, और ज़रूर आएगी, और आपको उसका सामना करना पड़ेगा। और हमारे सारे बुरे कर्म हमारे पास भयानक बीमारियों के रूप में आता है, जैसे कि हार्ट डिजीज, डायबिटीज़, कैंसर या फिर ओस्टियोपोरोसिस हो। और वैज्ञानिकों के हिसाब से यह साबित भी किया गया है कि दूध, मांस या फिर कोई भी जानवर
से आई हुई पदार्थ का सेवन करने से हमें यह सारी बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है। पर असल में कोई परवाह नहीं करता। हम ये सब बोलते हैं और फिर सोचते हैं कि मैं क्यों प्रयास करूं बदलाव के लिए, मेरे अकेले के बदलाव से क्या होगा। यह कलयुग है और जो लोग इस बात में विश्वास करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है आपका धर्म क्या है? क्या हमारा धर्म ये सिखाता है कि जब प्राणी की परवाह किसी को नहीं तो मैं क्यों करूं? या हमारा धर्म ये सिखाता है कि किसी को परवाह हो ना हो, मुझे परवाह है, मुझे फर्क पड़ता है। सच्चाई के मार्ग पर कभी कभी अकेले ही चलना पड़ता है। आइए इस सच्चाई के मार्ग को अपनाएं और वीगन बनने की सोचें।